কোন যাচ্ছিলাম আমি মানোয়ারালি মানোয়ারালি হ্যাঁ এখানে ইন্ডিয়াতে থাকি ইন্ডিয়াতে থাকো মনে হচ্ছে তো তোমাকে ইন্ডিয়া থাকো না ভাই ঠিক আছে চলে গেলে কিসের জন্য ফাইন মানে ফাইন কিস লিয়ে হ্যাঁ ও আপকো পাস ভেজে তুমি দেখা জোম্যাটো বয় কে সাথ কেসে মিসবিহেভ কিয়া ट्रैफिक पुलिस में है लेकिन सर का हेलमेट नहीं है कान में हेडफोन लगाए हुए हैं मस्त और इतना ही नहीं मेरा कैमरा ऑन था बोल के मुझे गाली भी दिया और जोमेटो बॉय को भी उल्टा पुल्टा माँ बाप को लेके बोलने लगा स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को दो तीन बात बताना चाहता हूँ यार कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिविक वॉलंटियर एक वॉलंटियर इज अ वॉलंटियर इज नॉट एन पुलिस ठीक है उसको रखा गया यार मतलब कि रास्ता को क्लियर करने के लिए ताकि जैम्स एंड ऑल ना लगे ट्रैफिक को क्लियर रखने के लिए पुलिस को असिस्ट कर सके और फेस्टिवल में भी क्राउड को कंट्रोल कर सके उसको ये अथॉरिटी नहीं दिया है कि वो किसी को हाथ दिखा के रोके कोई भी व्हीकल्स को ठीक है ना उसको अथॉरिटी मिला है कि वो किसी का ड्राइविंग लाइसेंस मांगे ना उसको अथॉरिटी मिला है कि वो किसी का लीगल डॉक्यूमेंट्स बाइक का चेक करे ये सब सारा कुछ कौन कर सकता है ऑफिसर रैंक पे है उन लोग को ये ड्यूटी है और उन लोग का ये काम है करना तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था ये उन लोग का काम ये क्यों करने लग रहा है ठीक है यार बहुत ज्यादा मतलब क्या तो दादागिरी पे उतर आया हर जगह मतलब ऐसे रिएक्ट करते हैं ऐसे ये करते हैं मान लो यार मतलब एएसआई सब फेल कमिश्नर है पुलिस के वो लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं कभी क्वेश्चन यहाँ पे मेरा ये आता है कि इन लोगों का इतना हिम्मत कहाँ से आ रही है करने का यार मतलब ये सब चीज रेगुलर होता रहता है आजकल मतलब कॉमन हो चुका है लेकिन यार ये वाला क्वेश्चन मेरे दिमाग में तब उठा जब मैंने देखा कि यार जोमेटो बॉय के साथ मिसबिहेव किया गया ठीक है मेरे आंखों के सामने तो ऐसा बहुत सारा हादसा मतलब हर टाइम होता रहता है यार मतलब ये वीडियो बनाने का कारण सिर्फ मेरे मुझे वो बहुत ज्यादा खराब लगा वो जोमेटो बॉय के साथ जो मिसबिहेव हुआ उसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ तो चलो आप लोग पूरा वीडियो को देखो सबसे पहले এমপ্লয়ি মানে চেক করে না মানে হলোটা কি প্রবলেমটা কি এই তো ব্যারাকপুরে এসেছি ব্যারাকপুরে কোথায় যাবে জানলিক না বাদী সোজা বেরোবো ভালো করে দেখো তো সিগন্যালে যাও যাও দেখে আসো ভালো করে দেখে নাও আর ওখানে দেখো কোন গাড়ি দাঁড়াচ্ছে কিনা দেখো কি আমি তো সিগন্যাল ক্রস করে চলে যাইনি চলো দেখি বুঝতে কি পাচ্ছ না দেখি আর আচ্ছা ক্যামেরাটা বন্ধ করে দাও হ্যাঁ দাও ওপর আপন আপন তো গাইস আপনি শুনে আসলে কেসে বলা গালি দেখে কি হ্যাঁ ক্যামেরা কর লো না क्या हो जाएगा तो गाइस चलो मैं आप लोग को बताता हूँ कि मुझे इसने क्यों पकड़ा था तो यार वो देख सकते हो आप सामने जो कोन से बना हुआ है तो उसके मैं जिसको राइट साइड जाना था उसको उस पर रहना पड़ेगा जिसको लेफ्ट साइड जाना उसको इस पर रहेगा तो आप जैसे देख सकते हो यार जोमेटो बॉय भी देखो उसको भी राइट जाना था लेकिन वो बेचारा यहाँ पे आके खड़ा हुआ वो ट्रक वर्क आ जाते तो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते इस जगह में क्योंकि एक सिंगल लेन ही रोड है थोड़ा देर दूर में जाके ऐसे बीच से ऐसा कटा हुआ है ठीक है तो अभी আরে আমি বুঝতে পারিনি এই এখানটা পুরো এইটা দীপ দীপ জ্বলছিল এটা দশ জন ওই টাইমে জ্বলছিল না কোন টাইমে জ্বলছিল যখন যাচ্ছিলাম আমি মানোয়ারালি মানোয়ারালি হ্যাঁ এখানে ইন্ডিয়াতে থাকি ইন্ডিয়াতে থাকো মনে হচ্ছে তো তোমাকে ইন্ডিয়া থাকো না তাহলে ভালো আছে কেন ওয়েস্ট বেঙ্গলে বাদিকে সিগন্যাল লেফট সিগন্যাল সবসময় খোলা থাকে ওয়েস্ট বেঙ্গল না জানতাম না এই প্রথমবার বাইক চালাচ্ছি তো ওই জন্য तो आप लोग ही देखो यार ये कोई तरीका हुआ अभी अगर वो क्लच छोड़ देता तो आप सीधा गाड़ी उड़ जाता उसका अभी एक एक्सीडेंट यहाँ पे होता ऊपर से लाइसेंस भी मांग रहा है মানোয়ারালি ক্যামেরা বন্ধ বন্ধ দেখলো
पूछ रहा है कैमरा ऑन है या नहीं। अरे भाई कैमरा ऑन है या ऑफ है, तुम हो गया ठीक है। और ऊपर से यार चेक भी कर रहा है मेरा कैमरा के पीछे ऐसे आके, मतलब लाइक हेलमेट के पीछे ऐसे स्क्रीन रहता है वहां पे आके ऐसे झांक के देख रहा है ये ऑन है कि ना। लेकिन थैंक्स टू GoPro Hero 9 यार, ना ऑल स्क्रीन ऑफ ऑल लाइट्स ऑफ का ऑप्शन रहता है तो मैंने वो करके रखा था। बेटे वाला भैया बोल रहा है कि मेरे से गलती हो गया सॉरी, ये वो बोले जा रहा है। तो वो बोल रहा है कि क्यों नहीं, तुमको समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे सिग्नल इतना था इतनी इजी है। तो वो बोला नहीं समझ में, बंगाली में बोल रहा है आपने जो बूझे ना नियर बाबा के बोलून बूझते। तो हिंदी में इसका ये मतलब है तुमको समझ में नहीं आ रहा तो अपने पापा को बोलो समझने, क्या मतलब है इसका गाइस। और वो भी वहां पे देख सकते हो यार, पास में ही ऑफिसर बैठ के सब सारा कुछ सुन रहे हैं और बाहर में भी ऑफिसर था। ये बाप माँ के ऊपर जाना, ये कहाँ का हिम्मत है यार। वो मतलब थोड़ा कमजोर है, कष्ट करे काम करे खा रहा है तो यार उसको मतलब जो मोल दो गए। अरे सिग्नल टा किन्तु बोझा जाच्छे ना, ओई जोन्ने कन्फ्यूज होये दाड़िये पड़छि। স্যার দেখুন আমি সিগন্যালটার পাশটাই পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, এদিকটা রেড রয়েছে আমি ওদিকে ঢুকতে পারবো। বলুন WB24 এর কি সমস্যা ছিল? আমি সিগন্যালে দাঁড়িয়ে গেছিলাম, ওটাই সমস্যা। आप सिर्फ डिपेंडेंसी लेवल देखो कि वो सिविक से पूछ के वो ऑफिसर मेरे को केस दे रहा है कि मतलब मैं किया क्या हूँ, मतलब मेरा गलती क्या है। तो लेवल है भाई, सही है। मैंने इस दौरान एक चीज और नोटिस किया कि वो जो Zomato बॉय था यार, कितना देर से तो खड़ा था, कितना सो टाइम वेस्ट हो रहा था, उसको कहीं डिलीवरी करना होगा, वो लेट हो जाएगा। एटलीस्ट यार ये सब में थोड़ा मोड़ा तो यार कॉम्प्रोमाइजेशन चलता है, खासकर उन लोग के लिए यार। 300 रुपया कमाता है ये दिन भर में और उसमें से 100-150 रुपया ऐसे फाइन ही पड़ेगा तो घर क्या लेके जाएगा यार। मतलब थोड़ा तो इंसानियत दिखाया करो यार, इतना रूल्स एंड रेगुलेशन सब जगह अच्छा नहीं लगता। नीचे কত টাকা ফাইন? 100 টাকা। মানে কিসের জন্য ফাইন? মানে ফাইন কিস লিয়ে? ফাইন কিস লিয়ে? তুমি বলা নেই রোড অবস্ট্রাকশন কর রহা থা। सर नहीं जानते क्या मतलब? सर लेफ्ट साइड का दिखा रहा है सिग्नल, वहाँ पे तो रुकेंगे नहीं, वहाँ पे राइट साइड ले जाने के लिए। राइट साइड में रुकना कहाँ है? पहले जाके देखो, जाके ठीक से देख लो, उसके बाद आगे बढ़ो। बाप को बोल रहा था, अब उसका बोल रहा था वो समझेगा, मेरे को नहीं बोला ना, मेरे को बोलता हम समझा देता। तूने साइबर कैफे को तेरे को साइबर कैफे चलान काट के दिया, उसको ऑनलाइन भरना पड़ेगा वरना भी मेरा लाइसेंस नहीं देगा। तो यार रात को मैं झमेला नहीं जाता हूँ, वाला भी नीचे वाला कॉपी दूंगा और फिर वो मेरा लाइसेंस मुझे वापस करेगा। गाइस यार रात को ऐसे हैरेसमेंट कर रहा है इतना ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ, जगह भी मुझे ठीक से नहीं पता। सर ये जमा ले सकते हैं आप है? ये वाला वो नहीं, हाँ वो आपको पास भेजे है। बोले जो सोचो गाइस कितना मस्त चीज है ना यार, एक ऑफिसर है वो यार सिविक से पूछ रहा है कुछ गलती है क्या इसमें।
मैं एक चीज नोटिस किया यार, यहाँ पे सब सबके ऊपर डिपेंडेंसी है, ये उसको वो उसके ऊपर वो उसके ऊपर, क्या मतलब तुम आप लोग को पता नहीं है क्या, मतलब क्या होना चाहिए उसमें, क्या है नहीं है, तो एक दूसरे के ऊपर फेंक क्यों रहो ये वो करके, मतलब आदमी का टाइम वेस्ट होना ना यार, एक घंटा 10-15 मिनट तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ ही वहां पे। देखा अभी क्यों मेरे को गुस्सा आता है, हैरेसमेंट इतना ज़्यादा करता है ना ये लोग, तुमने देखा जोमेटो बॉय के साथ कैसे मिसबिहेव किया भाई समझ में। मैं अगर ये ऐसे डाइवर्जन बीच में रहता है तो आज बहुत जगह ऐसे भी रहता है, लाइक मेरे को भी कंफ्यूजन हो सकता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा गलती है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं यार, सेम मैं भी जो प्रॉब्लम फेस किया पीछे जो जोमेटो बॉय आ रहा था वो भी ऐसे सेम प्रॉब्लम फेस किया, ठीक है, तो अभी ये मेरे को ऐसे रूल रेगुलेशन ये सब था, ये नॉर्मल है सिविक वॉलंटियर, अपने आप को ये लोग क्या समझने लगता है मेरे को समझ में नहीं आता भाई, ठीक है, इतना छोटा सा गलती यार, अगर मैं गलती किया मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है भाई गलती है, चल फाइन होगा जो फाइन होगा मैं दे दूंगा, लेकिन इसके लिए इतना ज़्यादा हैरेसमेंट बाबा क्या बताऊँ यार, देखो कितना रात को बेचारा लोग कितना मेहनत कर रहा है साइकिल वाइकिल लेके इतना दूर तक डिलीवरी कर रहा है। जो लोग मेरा कोई भी सिविक वॉलंटियर भाई देख रहा है, मेरे को कोई हेट नहीं है आप लोग को लेके, जस्ट मैं आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ यार ऐसे ट्रीट मत किया करो आदमी लोग को, बहुत ज्यादा खराब लगता है, मतलब खास करके यार जोमेटो और जिन लोग को मैं मतलब जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब जो लोग रोज डेली वेजेस अर्नर काम कर रहे हैं, रोज अर्न करके अपना फैमिली चला रहे, खुद को ये कर रहे, तो यार एटलीस्ट उन लोगों के साथ अच्छे से बिहेव किया करो, बात बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो यार, मैंने जो जितना सारे यूट्यूब के फैमिली मेंबर लिया, आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए, और कहाँ गलती है मेरा कहाँ गलती है किसका कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, सारे ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन सबको फॉलो कीजिए, अगर आप सही है आप गलत नहीं है तो आप किसी भी चीज के ऊपर आवाज उठा सकते हैं, ठीक है।